हेलो नमस्कार, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ इंडेक्सिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में पूरा पढ़ाया था कि इंडेक्सिंग क्या होती है और इंडेक्सिंग करते क्यों है, तो मैंने आपको बुक का एग्जांपल लेके समझाया था कि इंडेक्सिंग क्यों करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं फिर वही बता रहा हूँ कि बुक के अंदर इंडेक्सिंग क्यों होती है, रीजन क्या है बुक के अंदर इंडेक्सिंग का, ताकि आप बुक को तेज से फास्ट तरीके से एक्सेस कर पाओ। बुक में कोई डेटा ढूंढना हो तो बुक के पीछे, सपोज करो मैंने आपको एग्जांपल लिया था फंक्शनल डिपेंडेंसी का, तो अब आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी ढूंढना है तो आप इंडेक्स में जाते हो, एफ ढूंढते हो, एफ में फंक्शनल डिपेंडेंसी ढूंढते हो और फंक्शनल डिपेंडेंसी के आगे वो पेज नंबर लिखा रहता है और उस पेज पे आप चले जाते हो। तो अगर मान लो वो इंडेक्स ना हो तो फिर आपको टाइम लग जाएगा फंक्शनल डिपेंडेंसी को ढूंढने का, क्लियर। इसी तरीके से इंडेक्सिंग को हम डेटाबेस में भी क्यों करते हैं, बुक में भी फास्ट एक्सेस के लिए करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से डेटाबेस में भी इंडेक्सिंग का काम सिर्फ फास्ट करने के लिए होता है। हालांकि फाइल को पता भी नहीं होता, फाइल को कोई नॉलेज नहीं है कि उसके पीछे कोई इंडेक्सिंग हमने लगा रखी है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तो फाइल को क्या पता कि कोई इंडेक्सिंग हमने, इंडेक्सिंग अपने सहूलियत के लिए, अपने इजीनेस के लिए लगाई है। इसी तरीके से हम लोग डेटाबेस में इंडेक्सिंग लगा के अपना काम करते हैं। आओ अब आती है बात, वो तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग कितने तरीके की होती है। तो टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, मेनली इंडेक्सिंग तीन तरीके की होती है, प्राइमरी इंडेक्सिंग, क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग और सेकेंडरी इंडेक्सिंग। तो मैं आपको सारे के सारे इंडेक्सिंग पढ़ाऊंगा विद कैलकुलेशन, विद फॉर्मूलाज एंड उनके आउटपुट, उनका होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है, वो सारी के सारी चीजें कवर करेंगे मैथमेटिकल प्रूफ के साथ, क्लियर। तो उसमें बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी इंडेक्सिंग। तो पहली इंडेक्सिंग है प्राइमरी इंडेक्सिंग। तो प्राइमरी इंडेक्सिंग इज डन व्हेन फाइल इज सॉर्टेड। तो पहली चीज ये कि प्राइमरी इंडेक्सिंग का नाम ही प्राइमरी है, और प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी इंडेक्सिंग इज डन व्हेन फाइल इज सॉर्टेड। जब हमारी फाइल सॉर्टेड है तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी इंडेक्सिंग करते हैं, क्लियर। दूसरी चीज, प्राइमरी की ऑफ मेन फाइल, मेन फाइल की प्राइमरी की, प्राइमरी की ऑफ मेन फाइल इज यूज्ड एज सर्च की ऑफ इंडेक्स फाइल। मैंने बताया था इंडेक्स फाइल में दो कॉलम होते हैं, एक होता है सर्च की, एक होता है ब्लॉक पॉइंटर, किस आधार पर सर्च करना है और किस ब्लॉक पे वो डेटा भरा हुआ, क्लियर। तो प्राइमरी की ऑफ मेन फाइल इज यूज्ड एज सर्च की ऑफ इंडेक्स फाइल, मैंने आपको समझाया था। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी पहली वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था कि मेन फाइल्स को हम लोग डिफरेंट ब्लॉक्स में बांट लेंगे। सपोज करो मेरे पास 25,000 रिकॉर्ड है, तो 25,000 रिकॉर्ड्स को हमने क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में बांट लिया, क्लियर। तो ये ब्लॉक्स में बांट लिया, तो प्राइमरी की ऑफ मेन फाइल इज यूज्ड एज सर्च की ऑफ, तो मेन फाइल की प्राइमरी की सर्च की यूज होगी वहां पे इंडेक्स फाइल। स्पार्स इंडेक्सिंग इज यूज्ड, और प्राइमरी इंडेक्सिंग में कौन सी इंडेक्सिंग यूज होती है, स्पार्स इंडेक्सिंग। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं, स्पार्स इंडेक्सिंग और डेंस इंडेक्सिंग। स्पार्स इंडेक्सिंग क्या होती है, जब मेन फाइल के हर रिकॉर्ड को इंडेक्स फाइल में जगह ना मिले, सिर्फ कुछ ही रिकॉर्ड्स को जगह मिले, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पार्स इंडेक्सिंग। और मैंने फिर एग्जांपल दिया था बुक, क्या बुक्स के इंडेक्स में हर वैल्यू का इंडेक्स होता है, क्या हर चीज का, हर वर्ड का इंडेक्स होता है बुक में, नहीं, कुछ मेन वर्ड्स का ही इंडेक्स बना होता है बुक में, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स का ही वर्ड का इंडेक्स बना होता है। इसी तरीके से जब सारे रिकॉर्ड्स को, जब मेन फाइल के सारे रिकॉर्ड को इंडेक्स फाइल में जगह ना मिले, कुछ ही रिकॉर्ड्स को जगह मिले, तो उसे बोलते हैं स्पार्स इंडेक्सिंग। तो प्राइमरी की में कौन सी इंडेक्सिंग यूज होती है, स्पार्स इंडेक्सिंग इज यूज्ड। तो ये हो गया प्राइमरी इंडेक्सिंग। क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, क्लस्टर, क्लस्टर का क्या मतलब होता है, झुंड, समूह, क्लियर। अब आपको क्वेश्चन आ गया कि आप उन लोगों के रिकॉर्ड्स निकालिए कि आपकी क्लास में, आपकी क्लास में 18 साल वाले कितने बच्चे हैं, 19 साल वाले कितने बच्चे हैं, 20 साल वाले कितने बच्चे हैं, 21, 22, 23, मतलब 18 से लेकर 25 साल तक के बीच में आपको अपने डेटा को सेग्रीगेट कर दीजिए। अब आपको बताओ कि 18 साल का मेरी क्लास में अगर 25,000 बच्चे, मेरे कॉलेज में 25,000 बच्चे हैं, या मेरी मेन फाइल में 25,000 स्टूडेंट का डेटा है, तो 18 साल का सिर्फ एक ही बच्चा होगा, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा, 18 साल के बहुत सारे बच्चे हो गए, तो उन 18 साल के बच्चों को एक जगह रखेंगे, फिर 19 साल के बच्चों को एक जगह, फिर 20 साल के बच्चों को एक जगह। तो हम किस फॉर्म में कर रहे हैं, क्लस्टरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लस्टरिंग कर रहे हैं। तो ऐसी इंडेक्सिंग जिसमें क्लस्टर बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्लस्टर इंडेक्सिंग। तो ये देखो फाइल इज सॉर्टेड, इसमें भी हमारी फाइल सॉर्टेड होगी, फाइल इज सॉर्टेड बट हम लोग क्लस्टर बनाएंगे। File is sorted, but search key used in index file, जो हम search key index file में use करेंगे, is not primary key of main file. Obvious ही बात है, जो हम search key यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम search key क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? एज, या मान लो उन लोगों का रिकॉर्ड बनाओ जो गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, गुजरात, स्टेट वाइज या इंपॉर्टेंट सिटी वाइज अगर हमें डेटा बनाना है, ठीक है, तो उस आधार पे अगर हमें डेटा करना है तो ऑब्वियस है मेन फाइल का प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर, जबकि यहाँ पे सर्च की क्या है, एज या लोकेशन, क्लियर। तो द फाइल इज सॉर्टेड बट सर्च की यूज इन इंडेक्स फाइल, इंडेक्स फाइल जो होती है इज नॉट प्राइमरी की ऑफ मेन फाइल, क्लियर। सही बात, सर्च की कैन बी, सर्च की क्या क्या हो सकती है, एज हो सकती है, लोकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
तो सर्च की कुछ भी हो सकता है। अब आती बात यहाँ पे कौन सी इंडेक्सिंग होती है, स्पार्स, ये तो मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, स्पार्स इंडेक्सिंग होती है या डेंस इंडेक्सिंग होती है। क्या हर रिकॉर्ड को जगह मिलता है? नहीं, ऑब्वियस हर रिकॉर्ड को जगह देंगे तो कैसे काम चलेगा। हम क्या करेंगे, 18 साल वाले के एक बंदे को रिकॉर्ड को जगह दे देंगे, 19 साल वाले का एक को रिकॉर्ड दे देंगे, 20 साल वाले का एक को रिकॉर्ड दे देंगे, 21 साल वाले का एक, 22 का एक, तो इंडेक्स फाइल में सिर्फ एक एज के आधार पर एक रिकॉर्ड को हम जगह दे देंगे। फिर ब्लॉक पॉइंटर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे ले जाएगा और फिर वहां पे हमें जिसका नाम सर्च करना हो हम सर्च कर लेंगे। क्लियर? तो क्या समझ में आ रहा है, जब सबको जगह नहीं दे रहे, सिर्फ कुछ ही को जगह दे रहे हैं, तो वहां पे उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पार्स इंडेक्सिंग। बट क्या ये डेंस इंडेक्सिंग भी हो सकता है? डेंस इंडेक्सिंग क्या होता है, जब हर रिकॉर्ड को जगह मिले। अगर हम उल्टे टर्म्स में देखें, यहाँ पे भी तो हम हर रिकॉर्ड को जगह दे रहे हैं, 18 को भी जगह दे रहे हैं, 19 को भी जगह दे रहे हैं, 20 को भी जगह दे रहे हैं, 21 वाले एज को, 22 को भी, भले सारे 18 पर नहीं दे रहे लेकिन 18, 19, 20 हर रिप्रेजेंटेटिव को जगह दे रहे हैं, तो ये डेंस और स्पार्स दोनों का एग्जाम्पल हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा, सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्या होती है? सेकेंडरी इंडेक्सिंग जैसे मैंने आपको समझाया था, सेकेंडरी इंडेक्सिंग में मेन फाइल हमारी इज नॉट सॉर्टेड। जब सेकेंडरी इंडेक्सिंग की बात करेंगे तब हमारी मेन फाइल सॉर्टेड नहीं है, और तब उस समय क्या काम करेंगे, उस समय हम लोग क्या यूज करेंगे, डेंस इंडेक्सिंग। वही मैंने आपको समझाया था, जब हमारी मेन फाइल सॉर्टेड ही नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या पता कौन सी चीज कहां पे है, तब हमें हर रिकॉर्ड को अपनी इंडेक्स फाइल में जगह देनी ही पड़ेगी। ऐसी इंडेक्सिंग को क्या बोलते हैं, डेंस इंडेक्सिंग, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में समझाया। फिर मैं आपको समझा रहा हूं डेंस इंडेक्सिंग क्या होती है, जब मेन फाइल अगर हमारी नॉट सॉर्टेड है, जब सॉर्टेड ही नहीं है, तो हमें क्या पता कौन सा रिकॉर्ड कहां पे है, तब हमें हर रिकॉर्ड को, मेन फाइल के हर रिकॉर्ड को इंडेक्स में जगह देनी पड़ेगी। जब मेन फाइल के हर रिकॉर्ड को इंडेक्स में जगह दे रहे हैं, ऐसी इंडेक्सिंग को क्या बोलते हैं, डेंस इंडेक्सिंग। डेंस है ना, भर गया, स्पार्स मतलब खाली खाली, और डेंस मतलब भर गया, तो डेंस इंडेक्सिंग हो गया। तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी इंडेक्सिंग में डेंस इंडेक्सिंग यूज करते हैं। क्लियर? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी इंडेक्सिंग क्या होती है। लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी इंडेक्सिंग इन डिटेल। क्लियर? चलो, ओके, चलो अब चलते हैं। तो प्राइमरी इंडेक्सिंग मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको। प्राइमरी इंडेक्सिंग क्या होती है, प्राइमरी इंडेक्सिंग इट इज डन व्हेन फाइल इज सॉर्टेड। जब हमारी फाइल सॉर्टेड है तभी हम लोग प्राइमरी इंडेक्सिंग करते हैं। प्राइमरी की ऑफ मेन फाइल, मेन फाइल की प्राइमरी की क्या है हमारी, मान लो रोल नंबर। क्लियर? तो ये हमारा प्राइमरी की है, तो हम लोग मेन फाइल की प्राइमरी की को यूज करेंगे सर्च की, कहां पे, इंडेक्स फाइल पे। ये मेरी इंडेक्स फाइल है, तो यहाँ पे भी हम लोग रोल नंबर के ही आधार पे हम लोग इंडेक्स फाइल बनाएंगे। क्लियर? इज यूज्ड एज सर्च की ऑफ इंडेक्स फाइल। क्लियर? स्पार्स इंडेक्सिंग इज यूज्ड। क्यों स्पार्स इंडेक्सिंग? क्योंकि हम लोग हर रोल नंबर को अपने मेन फाइल में जगह नहीं देंगे, हम लोग सॉरी इंडेक्स फाइल में जगह नहीं देंगे, मेन फाइल में हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक्स बना लेंगे। ठीक है? तो हमने क्या किया, 10-10 के ब्लॉक बना लिए। तो हमने क्या किया, 10 ब्लॉक में से पहले वाले रोल नंबर को जगह दे दिया। अब सपोज करो कोई मुझसे बोलता भाई रोल नंबर 3 कहां पे है, तो मुझे पता है कि पहले वाला ब्लॉक से लेकर 10 वाले रोल नंबर तक, पहले वाले रोल नंबर से लेकर 10 वाले रोल नंबर तक पहले ही ब्लॉक में है। तो अगर किसी ने मुझे रोल नंबर 3 पूछा तो मैं सीधे उसको B1 पे ले जाऊंगा। क्लियर? सिंपल सी बात है। ठीक है? अब किसी ने मुझे बोला रोल नंबर 13 कहां है, तो ऑब्वियसली मैं 11 वाले ब्लॉक, 11 से लेकर पूरा 20 तक का जो ब्लॉक है वो कौन, B2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं उसे B2 पे ले जाऊंगा। क्लियर? तो सारे रिकॉर्ड्स को जब हम जगह नहीं देते, कुछ ही रिकॉर्ड्स को जगह देते, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पार्स इंडेक्स। क्लियर? नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडेक्स फाइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ, अब इंडेक्स फाइल में कितनी एंट्री होंगी, इंडेक्स फाइल में कितनी है, नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडेक्स फाइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन फाइल। तो जितने हमारे मेन फाइल में ब्लॉक्स होंगे उतने ही हमारे एंट्री होगी किसके अंदर, इंडेक्स फाइल के अंदर। क्लियर? तो क्योंकि हर ब्लॉक का एक रिप्रेजेंटेटिव है कहां, मेन इंडेक्स फाइल में, मेन फाइल के हर ब्लॉक का एक रिप्रेजेंटेटिव कहां पे है, इंडेक्स फाइल में। तो जितने इसमें ब्लॉक होंगे उतने इस पे रिकॉर्ड होंगे। क्लियर? चलो, तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडेक्स फाइल या रिकॉर्ड्स इन इंडेक्स फाइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन फाइल। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार, ये समझना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ एक्सेस रिक्वायर्ड, अब पहले हम लोग मेन फाइल एक्सेस कर रहे थे, अब हम लोग इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा। इंडेक्स फाइल सॉर्टेड होती है अनसॉर्टेड, अरे मेन फाइल सॉर्टेड हो चाहे अनसॉर्टेड हो, इंडेक्स फाइल हमेशा सॉर्टेड होगी, याद रखना, इंडेक्स फाइल हमेशा सॉर्टेड होती है। और जब कोई चीज़ हमेशा सॉर्टेड है तो हम उसमें लीनियर सर्च नहीं, बाइनरी सर्च लगाते हैं। जब हमें कोई चीज़ सॉर्टेड है तो हम उसमें क्या सर्च लगाते हैं, बाइनरी सर्च। तो हमारी इंडेक्स फाइल सॉर्टेड है, तो जब हमारी इंडेक्स फाइल सॉर्टेड है तो हम उसमें कौन सा सर्च लगाएंगे, बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च को सर्च करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, लॉग टू एंड। ठीक है? लॉग टू एंड। तो इससे हमारा क्या होगा, बाइनरी सर्च से हमारा इंडेक्स फाइल में वो ब्लॉक पता चल जाएगा, जिस ब्लॉक को हम सर्च कर रहे हैं। क्लियर? सपोज करो हमें रोल नंबर कुछ सर्च करना है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो रोल नंबर किस ब्लॉक में आ रहा है। ठीक है? इसको भी हम लोग ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। और प्लस वन,
प्लस वन का क्यों मतलब है, समझो मेरी बात को। जैसे मैं आपको वो बुक बुक का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बुक बुक में जब हम लोग पीछे इंडेक्स में गए थे और हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को सर्च किया, यहाँ इंडेक्स में गए थे और जब हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को सर्च किया था, तो अब हम सर्च कर रहे, टाइम तो लग रहा है ना, कौन सा टाइम लग रहा है, बाइनरी सर्च। क्यों बाइनरी सर्च लग रहा है, क्योंकि ये मेरा सॉर्टेड है ना, आई जे के, ठीक है। तो ये जब मेरा सॉर्टेड है तो अभी मुझे बाइनरी सर्च लग रहा है। अब यहाँ पे मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी पे गया जो 476, तो इसको सर्च करने में बाइनरी सर्च लगा, दैट इज लॉग इन प्लस 476 पे भी जाना, 476 पे भी जाना, तो एक टाइम और 476 पे भी जाना, तो दैट इज जो बाइनरी इंडेक्स फाइल को सर्च करने में टाइम लग रहा है वो तो ये है, प्लस वन उस पेज में जाने के लिए। तो ये इंडेक्स फाइल को सर्च करने में प्लस उस ब्लॉक पे जा, मेन फाइल के ब्लॉक, ये हो गया इसके ब्लॉक्स को सर्च करने का, और ये प्लस वन उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे जाने का। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल कंक्लूजन कि कितना एक्सेस टाइम लगेगा हमें सर्च करने में। क्लियर? अब आती है बात कैसे प्रूफ करें, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस करेंगे किसके ऊपर, प्राइमरी इंडेक्सिंग के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और प्रूफ करके देखेंगे इस बात को कि अगर हमारी फाइल सॉर्टेड है, मतलब प्राइमरी इंडेक्सिंग अभी नहीं लगी, फाइल सॉर्टेड है, इंडेक्स नहीं लगाया हमने, ठीक है, बुक हमने बना ली, बुक मेरी सॉर्टेड है लेकिन बुक में इंडेक्स नहीं लगाया, तब कितना टाइम लगेगा, और बुक में इंडेक्स लगा दिया तब कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझो, बुक हमने बना दी, बुक तो हमेशा सॉर्टेड होगी, पेज नंबर वन से टू के बाद थ्री फोर ऐसे ही आता है, तो बुक हमारी सॉर्टेड है लेकिन बुक में अभी हमने इंडेक्स नहीं लगाया, अगर सॉर्टेड बुक में कोई चीज सर्च करना है तब कितना टाइम लगेगा, और सॉर्टेड बुक में एक चीज और लगा दी, इंडेक्स भी लगा दिया, तब कितना टाइम लगेगा। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारी मेन फाइल प्राइमरी इंडेक्सिंग के क्वेश्चंस करेंगे, तो मेन फाइल ऑब्वियसली सॉर्टेड है, तो जब मेन फाइल को सर्च कर रहे हैं बिना इंडेक्सिंग के तब कितना टाइम लग रहा है, और जब मेन फाइल को सर्च कर रहे हैं इंडेक्स के साथ तब कितना टाइम लग रहा है। बस वही सर्च, वही देख के उसके बाद हमें सारा क्लियर हो जाएगा कि जो हम इतना तामझाम, हमने इतनी थ्योरी पढ़ी, उसका सही कंक्लूजन निकल क्या रहा है, क्या फायदा हो भी रहा है इंडेक्सिंग से या फायदा नहीं हो रहा है। तो वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं लेके आ रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।